ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारे भैया का रिएक्शन अच्छा नहीं था, तुम्हारे भैया को स्कूटी अच्छी नहीं लगी, वो खुश नहीं है, और तुम्हारे भैया जो भी लेते हैं सब कुछ अपने लिए ही लेते हैं। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि हाल ही में साहिल ने अपने पापा को स्कूटी गिफ्ट की है, लेकिन सौरभ जोशी के कुछ हेटर्स ने साहिल जोशी के ब्लॉग्स में हेट फैलाया। उनका कहना था कि सौरभ ने अपने लिए 3-3 गाड़ी और 2-2 बाइक ले ली, लेकिन अपने पापा के लिए कुछ नहीं लिया। इस पर साहिल जोशी ने सौरभ जैसे हेटर्स को जवाब देते हुए, तो आइए देखते हैं साहिल जोशी ने क्या कहा। मेन टॉपिक के ऊपर, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पापा जी के लिए नई स्कूटी ली थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग भैया के लिए हेट फैला रहे थे, तो मैंने उस वीडियो के लगभग सारे कमेंट्स पढ़े हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारे भैया का रिएक्शन अच्छा नहीं था, तुम्हारे भैया को स्कूटी अच्छी नहीं लगी, वो खुश नहीं है, और तुम्हारे भैया जो भी लेते हैं सब कुछ अपने लिए ही लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें आप बोल रहे थे। तो गाइस मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो पापा जी ने खुद ही कहा था कि मेरे लिए स्कूटी साहिल ही लेगा, लेने को भैया ले सकते थे लेकिन मुझे बोला था तो मैं ही लेऊंगा। और दूसरी बात जो आप लोग बोल रहे थे कि भैया को स्कूटी पसंद नहीं आई, तो ये बात सच है कि भैया को स्कूटी पसंद नहीं आई थी उस टाइम जब मैं लेके आया था घर पे, बिकॉज आज तक भैया ने इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं चलाई, उन्होंने सिर्फ पेट्रोल चलाई है, तो उनको पेट्रोल ही पसंद थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने खुद चलाई ना इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उसके बाद उनको पसंद आ गई। तो फिर भैया ने खुद कहा कि यार ये तो मस्त है स्कूटी, सही लेके आया साहिल, पापा जी के लिए बेस्ट है। तो बस यही बात थी, और इस बात को लेके आपने क्या क्या नहीं बोला। तो बस गाइस आपसे अब ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा कमेंट मत करना अब। तो मैंने सिर्फ एक स्कूटी ली है, पूरा घर कौन चला रहा है, सौरभ भैया। सो लास्ट में यही कहूंगा कि आज जो कुछ भी है ना उन्हीं की वजह से है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है मुझे पता है, कोई 0 से लेके 12 मिलियन तक ऐसे नहीं पहुंचता। भैया ने इतना कुछ करा है तभी आज ये सब कुछ हो पा रहा है, तो प्लीज आप हेट मत फैलाओ ऐसे, बाकी आप लोग समझदार हो समझ जाओगे। दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप साहिल जोशी ब्लॉग्स के चैनल पर देख सकते हैं।